हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप अपने स्टॉक कंपनी के हेड यूनिट से एक डीएसपी जैसी साउंड कैसे निकलवा सकते हैं। लाइक ये प्योरली डीएसपी से तो मैच नहीं करने वाली, बट नियर अबाउट उसके आसपास की साउंड आपको मिल जाएगी अपने स्टॉक हेड यूनिट से। आपने कोई भी हेड यूनिट लगवा रखा है उससे आपको सिंपली क्या करना है, अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेना है, या तो ब्लूटूथ से या तो आप ऑक्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्स केबल भी है। सो मैं अपने फ़ोन को पेयर कर लूँगा पहले ब्लूटूथ से, क्योंकि ब्लूटूथ से सबसे क्लियरेस्ट ऑडियो जाता है हमारा ऑक्स से। एंड सिंपली हमें अपना लेना है एंड्रॉयड फ़ोन, एंड इसमें जाना है हमें प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर में जाते ही ऊपर लिखेंगे हम पाइनियर। पाइनियर लिखने के बाद आपको कुछ ऐप्स दिखेंगी, इनमें हमें सेलेक्ट करना है साउंड ट्यून ऐप को। इस साउंड ट्यून ऐप को सेलेक्ट करके हमें इसको कर लेना है इंस्टॉल अपने फ़ोन के अंदर। ये ऐप हमारा मेनली फंक्शन करने वाली है ऑक्सी केबल के थ्रू और ये ब्लूटूथ से जो स्टीरियो कनेक्टेड है इस पे। लाइक ये फ़ोन के आउटपुट में इतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएगी अगर हम कुछ भी ट्यूनिंग करते हैं तो अपने स्टीरियोज की। मैं एक्चुअली अभी बाहर से, इससे थोड़ा नेट यहाँ पे स्लो आ रहा है। आप अगर नेट पे देखेंगे तो ऐसी डीएसपी के नाम से या 3D साउंड के नाम से और कई ऐप्स हैं जो कि काम अच्छा कर देती है। एज लाइक एक पावर एम्प नाम से ऐप है, वो भी अच्छी है। उसमें इवन इससे भी बेटर ऑप्शन हैं। मैं आपको उसको भी ट्यून करना सिखाऊंगा, वो कैसे करना है। सो अब जैसे हमने ये ऐप को कर लिया है इंस्टॉल, एंड इसको करेंगे हम ओपन। ओपन करने के बाद ओके अंडरस्टैंड पे हम करेंगे क्लिक, एंड इसकी अलाउस कर देंगे साउंड ट्यून ऐप्स को हमारा फोटोज़ मीडियाज एंड फाइल्स को देखने के लिए। अब ये हमसे पूछ रहा है बेटर साउंड फील के लिए अपना माइक्रोफोन एक्सेस करने के लिए। सो इसको भी हम कर देंगे ओके अंडरस्टैंड एंड अलाउ। सो फ़ोन कॉल की हमें, मुझे नहीं लगता इसको परमिशन देनी चाहिए, सो मैं इसको नो थैंक्स कर दूंगा। एंड बिफोर यू स्टार्ट हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, ये नॉर्मल एग्रीमेंट है। सो एक और एग्रीमेंट आ गया हमारे पास, फिर ये आ गया एक और बिफोर यू स्टार्ट, एंड वी अब एक और आ गई प्राइवेसी पॉलिसी ओके आई अंडरस्टैंड। अच्छा, इसको हमें एग्री ही करना पड़ेगा। आर यू रेडी? ठीक है, हम गेट स्टार्टेड कर देंगे, एंड ये लोड होना स्टार्ट हो गया है। अब ये हमारे पास एक एरर आया है, NAOA कनेक्शन विद दिस डिवाइस मे नॉट बी पॉसिबल। तो इसको हम कर देंगे डोंट शो अगेन एंड डिसमिस पे क्लिक। सो अब हमारे पास ये ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, एंड इसमें हम खाली जो हमारे फ़ोन पे गाने इंस्टॉल्ड हैं वो इसी से ही प्ले कर पाएंगे एंड उन्हें ही ट्यून कर पाएंगे। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम कुछ भी डाल सकते हैं, सेट कर सकते हैं सेटिंग से लॉग इन करके। ठीक है, अब हम कर लेंगे इसको बैक एंड सेलेक्ट करेंगे एक सॉन्ग। अब जैसे ये सॉन्ग है हमारा, या हम कोई भी सॉन्ग ले लेते हैं इसमें से। इसमें प्रेफर करूँगा कि NCS चले तो बेटर है, बाकी अगर NCS नहीं मिलता इसमें मुझे तो कोई बात नहीं, नॉर्मल सॉन्ग ही चला लेंगे। हमें यहाँ पे अपना NCS का ट्रैक, और ये हो चुका है यहाँ पे स्टार्ट प्ले होना। अब हमें सिंपली जैसे नॉर्मल साउंड आ रही है, सो उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा इक्वलाइजर का है सुपर टर्डोर की नाम से, जो इनका पाइनियर के उसमें आता है ऑफिशियल्स में। ये मेनली हमारा बेस और वॉल्यूम को हाई कर देगा। अगर आपको DSP जैसी आवाज़ चाहिए तो इसको आप लो पे रखें, एंड हमारे जो मेन थिंग है वो ये आ जाती है यहाँ पे कि आपको अपने इक्वलाइजर को रखना है बिल्कुल फ्लैट पे। एंड देन उसके बाद जो FX का ऑप्शन है, ये आ गया हमारा एक तरीके से जैसे DSP में ऑप्शन आते हैं हमारे पास, तो उसमें अभी जैसे ऑफ है आप देख सकते हैं। मैं पहले यहाँ पर थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दूँ जिससे आपको डिफरेंस फील हो जाए। अब जैसे मैं कॉन्शियस हॉल पर रखता हूँ तो आपको फील हो गया होगा डिफरेंस कैसे आवाज़ चेंज होती है। चलते नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो रहने वाला है ओपन एयर। ओपन एयर पे साउंड हमारी कुछ ऐसी आ जाती है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लब। क्लब पे थोड़ा ऐसी साउंड हमें मिलेंगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन आया था हमारा कैफे का, जो हमारा लास्ट ऑप्शन है लाइव स्टिमुलेशन। इसमें से बेस्ट जो एक्सपीरियंस देने वाला है हमें कॉन्सर्ट हॉल ही देगा। एंड इसके साथ हमें एक एडिशनल फीचर मिल जाता है कि हम इसमें अपलॉजेस भी ऐड कर सकते हैं इसको जस्ट ऑन करके।
इसका हमें पता तभी चलेगा जब ये लाउड उस पर हम प्ले करेंगे अप्लॉजेस का। बाकी इस ऑप्शन में आपके पास कस्टम इक्वलाइजर भी है जो कि रहने वाला है अपना, आप देख सकते हैं कितने बैंड का इक्वलाइजर है ये, आप कितने सारे इसमें भी दो कस्टम है, कस्टम ए एंड कस्टम बी। जैसे हमें अपना पाइनियर के स्टीरियो में मिल जाता है सेम ऑप्शन हमें मिल जाता है उसमें भी। इसको करते हैं बैक क्योंकि हमें इसको रखना है बिल्कुल फ्लैट पे, क्योंकि हमें चाहिए बिल्कुल अपनी जैसी साउंड एक डीएसपी में आती है उसी हिसाब से। हाँ, जो हमारी बेस वगैरह की सेटिंग रहने वाली है वो हमारे स्टॉक एडजस्ट से ही करनी है हमको। जैसे आप इसमें देख सकते हैं मैंने बेस ये रखा हुआ है अपने एडजस्ट से, एंड ट्रेबल बस एक पॉइंट आगे है, एंड बैलेंस और फिल्टर की सेटिंग मेरी ये है। तो जो नेक्स्ट ऐप है जो इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है पावर एम्प के नाम से। उसमें हमारे पास इससे भी ज़्यादा डिटेल सेटिंग मिल जाती है। जैसे इसमें हमारे पास प्रीसेट्स हैं, उसमें हमारे पास प्रीसेट्स नहीं मिले, प्रीसेट्स भी मिलेंगे एंड उसके अलावा भी हम कस्टम अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं उसकी साउंड को। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।